आपको बताना चाहूंगा कि इस गाय की राजनीति के वजह से पूरे देश राजस्थान और पूरे देश की जो अर्थतंत्र है अर्थव्यवस्था किस तरह से गड़बड़ा गई। ये हिंदू मुस्लिम से आगे की बात अगर कोई सोचे गहराई से कि भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था मेहनत कश लोगों की जो अर्थव्यवस्था है इस राजनीति से कितनी खराब हो जा रही है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, दुनिया में ऐसा प्रदेश नहीं है राजस्थान के साथ, ऐसा पॉकेट दुनिया में कहीं नहीं है जहां इतना रिच लाइफ स्टॉक है, इतना समृद्ध पशुधन है, दुनिया में कहीं नहीं है। मैं ऑस्ट्रेलिया भी जाकर आया हूं, मैं यूरोप के स्विट्जरलैंड भी जाए इंग्लैंड भी देखा, मैंने सब जगह देखा, इतनी छोटी सी पॉकेट का जो पशुधन है वो दुनिया में कहीं नहीं है। और वो किसने बनाया? कोई वैज्ञानिकों ने नहीं बनाया, कोई आईटीआई स्कूल वालों ने नहीं बनाया, बल्कि मेहनत कश अनपढ़ लोगों ने बनाया और ब्रीडिंग की और तैयार किया। यहाँ की जो गाय है, चार गाय है, राठी, थारपारकर, गीर और कांकरेज, दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो चाहे वो होल्स्टीन हो, चाहे वो जर्सी हो, लेकिन हमारी राठी और हमारी गिर का कोई मुकाबला नहीं। अब आप ताज्जुब करोगे कि बने किसने, राठी और गिर गाय किसने। यहाँ का गाय के अलावा यहाँ की बकरी, सिरोही नस्ल की बकरी स्विट्जरलैंड के लोग ले जाते हैं। यहाँ की गिर गाय की, गिर जो अजमेर में आपने देखो बड़े चौड़ा उसका ललाट हो रहा है, कान बड़े ललाट होते हैं, कान मुड़े हुए होते हैं, वो गिर गाय यहाँ तबाह हो रही है। यहाँ से ब्राजील गई, उन लोगों की काया पलट कर दी। यहाँ का जो ऊंट है यहाँ तबाह हो गया और जबकि दूसरे देशों में जाके पनप गया। यहाँ की भेड़, अलग अलग क्षेत्र की भेड़ यहाँ की बहुत प्रसिद्ध रही है। अलग अलग अनपढ़ लोगों ने तैयार की है, रजाई बनाने के, कंबल बनाने के लिए अलग भेड़ तैयार की, उन्होंने शॉल बनाने के अलग अलग भेड़ तैयार की। यहाँ का घोड़ा, मारवाड़ी घोड़ा दुनिया के अंदर माना जाता है, इसकी कल काटी हुई सी खोज तबाह हो गया घोड़ा। लेकिन सरकारी नुमाइंदे हैं सर, जो पॉलिटिशियन लोग इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं और यहाँ की इस बात में दूसरे पशुधन की बजाय अब गाय पे आगे करूंगा। राठी गाय, थारपारकर गाय, गिर गाय और कांकरेज गाय। राठी, राठ जो आप गंगानगर से ले जाकर देखोगे, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जो जो इलाका है भारत पाकिस्तान की बॉर्डर है, पहले ये तो अलग अलग देश नहीं थे, ये जो ब्रीड है वो इतनी दुधारू गाय है। वहां पे रेगिस्तान है, 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, हरा चारा नहीं होता, पानी तक नसीब नहीं होता है, ऐसी माहौल विपरीत परिस्थितियों के अंदर ये गाय रूखा सूखा खाके होलेस्टिन और जर्सी से ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करती है और पूरे राजस्थान को तो दूध पिलाती है, बाकी मदर डेयरी दिल्ली का वो पेट पालती है और दुनिया के अंदर पूरे देश के अंदर सप्लाई होता है, उर्मुल इलाका, बीकानेर और गंगानगर इलाके का दूध पर। अब राठी गाय किसने तैयार की? राठी गाय जब भारत पाकिस्तान नहीं था, जो रेड सिंधी और इधर पंजाब के एरिया से जो साहिवाल आई है तो वो मुसलमानों ने तैयार की थी, राठ मुसलमानों ने। वो क्रेडिट गोज जो राठ मुस्लिम कम्युनिटी, आज भी आप जाओगे अब तो वो माहौल के अंदर उन्होंने बहुत कम कर दिया, लेकिन एक एक मुसलमान के पास 300-400 गाय आज भी थी, पहले और उससे ज्यादा थी। और वो उनके लिए वो पूरी माता तो उनके लिए माता से बढ़कर क्या, रोजी रोटी का जरिया और वो आर्थिक समृद्धि का एक जरिया था वो। पर आज लेकिन इस माहौल के कारण वो धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है। तो कहने का मतलब इसी तरह से राठी गाय, इसी तरह से थारपारकर गाय, इसी तरह से थारपारकर मतलब थार इलाके से बाहर पाकिस्तान के इलाके से आए और यहाँ के लोगों ने आपस में ब्रीडिंग कराई और वो फैला हुआ। अरब से अरबी घोड़ा आया और यहाँ के लोकल जो यहाँ की जो मालवी नस्ल के घोड़े हैं क्रॉस कराया और मारवाड़ी घोड़ा पैदा किया, अनपढ़ लोगों ने तैयार किया। तो इसे ऐसा पशुधन इस राजस्थान के अंदर है, लेकिन गायों की राजनीति के कारण, धर्मांध लोगों के कारण, रूढ़िवादी लोगों के कारण इस देश की और इस राजस्थान की अर्थव्यवस्था सारी बिगड़ गई है। राजस्थान के अंदर आज से कई साल पहले और अब से 5 साल पहले तक बहुत अच्छे पशु मेले लगते थे, नागौर का परवसर पशु मेला, भरतपुर का मेला, नागौर का मेला, हर इलाके के अंदर यहाँ का लाइव स्टॉक भर गांवों की रोजी रोटी का रोज लोगों का जरिया था। नागौर का बैल पूरी भारत के अंदर प्रसिद्ध था, यहाँ से खेती बाड़ी के लिए जाता था, कहाँ पे जाता था, नागौरी बैल दुधारू नहीं है, लेकिन वो वहां के लोगों ने, वहां के मेहनत कश किसानों ने, लोगों ने वो तैयार किया काय के लिए, खेती बाड़ी के कामों के लिए, हल जोतने के लिए, बैलगाड़ी के अंदर पौधा ढोने के लिए। वो बैल यहाँ से बछड़ा यहाँ से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छोटे राज्यों में जाते थे जहाँ छोटे किसान काम करते हैं, लेकिन
नहीं ना, धर्मांध लोगों ने रोग लगाने के कारण अब 3 साल से पहले वो रोग वहां से जा नहीं सकता, बछड़ा को कोई बेच नहीं सकता। अब बेचारा गरीब किसान 3 साल के बछड़े को कहां पैदा तैयार करे, अपनी छाती से छिपा के कहां रखे, इसलिए वो सब लोगों ने बंद कर दिया। आज नागौर की जो जो काऊ की आधार की जो इकोनॉमिक्स थी वो सब खराब हो गई। और किसान बड़ा होशियार है, उसको गाय की राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी रोजी रोटी चाहता है, वो अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करना चाहता है। तो जितने ये लोग गोरक्षक बनते हैं, गायों की राजनीति करते हैं, कट्टरता करती है, एनिमल फार्मर शिफ्ट हो जाता है। वो कहता है तुम गायों में रहो, हम भैंस में शिफ्ट करेंगे। और आप धीरे धीरे गायों की संख्या आप ताजुब करोगे, धीरे धीरे गायों की संख्या बहुत कम हो रही है, इनकी गायों की जो इनकी जो माताएं हैं वो कम हो रही है, लेकिन अब भैंस की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि भैंस दूध भी देती है और दूध देने के बाद भी सेल भी हो जाती है, उचड़ा पाटा भी सेल हो जाता है, वो भी सेल हो जाता है। महाराष्ट्र के अंदर जो जो किसान मौत आत्महत्या कर रहा है, उसकी बहुत एक बड़ी वजह है ये गाय है। उसकी ये वजह है कि पहले उसका बूढ़ा हुआ बैल बिक जाता था, अब कहां जाता था, बूढ़ा बैल बिक जाता था, वो बैल बिकता नहीं, उस बैल को उसको 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 पालना, उस बूढ़े बैल को पालना, मैं बैल को खरीद नहीं पा रहा है, तो वो पैसा कहां से आ जाएगा। आज आप गांव में, मैं पाली जिले का रहने वाला हूँ, आज आप गांव में देखो हर गांव जो जो लावारिस गायों से भरे पड़े हैं, लोगों ने खेती बाड़ी करना, मैं खुद कृषक हूँ, मेरे गांव घर के अंदर बकरी रही है, गाय रही है, भैंस रही है, लेकिन वो सारा लोगों ने खेती बाड़ी करना छोड़ दिया। इधर इन लोगों ने जंगलों के नील गायों को पाला, ये उनकी गाय माता है, और ये जो कल तक हमारे रोजी रोटी का जरिया था, हमारे किसानों ने, हमारे पशुपालकों ने बहुत दुखी मन से अपनी गायों को छोड़ा, और वो सारी गायें आप गांव के अंदर घूमती है, और वो शाम होते ही वापस घर आ जाती है। शाम को लोगों ने खेती बाड़ी करना बंद किया, मेरी दर की बात बताता हूँ, आप मारवाड़ी इलाके में चले जाओ, सारी तबाह हो गई, सारी इकोनॉमिक तबाह। अब आता है सरकारी विभाग के ऊपर, नॉन प्रोडक्टिव सारी गौशाला की, भारत के अंदर सबसे ज्यादा गौशाला राजस्थान के अंदर, करीब 2500 गौशाला है, कहीं भी किसी भी स्टेट के अंदर नहीं है, 2500 गौशाला है। जितने यहाँ की पॉपुलेशन है लगभग उतना ही यहाँ का पशुधन होता है, लगभग आप 5 करोड़ के आसपास, 5.25 करोड़ के अगर यहाँ का जनसंख्या है लोगों की, तो इतना ही यहाँ का पशुधन है। अब ये पशुधन जो गाय है, करीब 2500 यहाँ की गौशाला है, और 2500 एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, और पशु जीव जंतु कल्याण बोर्ड है, सबसे ज्यादा वहां का अनुदान, सरकार का अनुदान राजस्थान के अंदर आता है गौशालाओं के अंदर। जब यह इससे पहली सरकार थी लगभग 100 करोड़ रुपए गौशालाओं को दिए थे, 100 करोड़ रुपए, अभी 6 महीने के अंदर सरकार ने 150 करोड़ रुपए गौशालाओं को दिए, 150 करोड़। और कौन सी गौशाला में कौन है, नॉन प्रोडक्टिव एनिमल, जो एक गेला भी दूध नहीं देते हैं या दूध देते हैं तो वो भी उनके व्यवस्थापक है वो सब डकार जाते हैं। तो नॉन प्रोडक्टिव एनिमल मतलब किसान अपनी रोजी रोटी के लिए गाय पालता है, पशुपालक अपने बच्चों का पेट काम के गाय पालता है, उसके लिए एक पैसे का अनुदान नहीं मिलता है, मतलब कितनी मुश्किल से वो पालता है, उसको एक पैसे का अनुदान नहीं मिलता है। और जो ये गोरक्षकों की जो गौशाला है, इसके अंदर हर साल करोड़ों का, चाहे वो किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट वो हर साल देती है, क्योंकि सबको पता है कि क्या पता है हमें वोट देते हुए, लेकिन देता नहीं है, वो कहीं और चला जाता है। तो पिछली सरकार ने 100 करोड़ दिए, जाते जाते वो सेवा विभाग खोला है, नया विभाग भारत में कहीं भी गो सेवा के नाम पे एक अलग, गायों के नाम पे अलग विभाग नहीं, राजस्थान में खुला। गो सेवा आयोग 98 में महिला आयोग से पहले बनाया गया, भैरव सिंह शेखावत द्वारा, हमारे महिला आंदोलन की बहने भी है, गौ सेवा आयोग पहले बना। गो सेवा आयोग तो कविता जी अलग है, वो दुकान अलग है, एक गो फेडरेशन अलग है, मैं गो सेवा विभाग की बात करता हूँ। सर 2013 के अंदर सरकार ने जाते जाते बढ़ाया था, क्या पता माहौल फेवर में हो जाए, तो वो गो सेवा विभाग था, फिर नई सरकार आई तो उन्होंने गो पालन विभाग किया, उस विभाग का मैं डायरेक्टर रहा हुआ। हमने कहा कि भाई गौशाला वालों, आप बहुत ये सब एक गलत धंधा है इनका, आप अंदर की कहानी जानोगे तो बहुत ही भयानक कहानी है। ये सारे क्या करते हैं, पहले 10 गायों को इक्विटी करते हैं, उन गायों के नाम पे फिर कब्जा करते हैं जमीन का, ओरण गायों के जो ओरण है, जो गायों पहले हमारे जो वो गायों के एक चौपा हुआ करता था, सारे गांव वालों के एक साथ गाय चराने जाता था, गोरी चराने जाता था, कहां जाता था, ओरण में जाता था, गोचर में जाता था, वो सारी गोचर और ओरण की लैंड पे इन गोरक्षकों की जो गौशालाओं ने कब्जा कर लिया। फिर वो आए कोई बाबा बिठा देते, बाबा बैठ गया, 10 गौशालाएं हो गई, कब्जा कर लिया। अब सरकार भी कह नहीं सकती है क्या सरकार है, पर नाम पे है, फिर कब्जा कर लिया, तो गौशालाओं के नाम पर जितना जमीन का एंक्रोचमेंट है वो किसी और नाम पे नहीं, सारा
अभी सरकार ने खुद खोज की हिम्मत नहीं होती है कि उनके पास कितना इतना बेशुमार जमीन उन्होंने कब्जा कर दी। फिर वो गाय कौन सी रखते हैं? कोई प्रोडक्टिव एनिमल नहीं रखते। अगर उन्होंने कहा कि भी हम इस गाय, अब वो खूब लावारिस ढूंढती है लेकिन वो उनसे ज्यादा रखने नहीं देते, उनको 16 रुपए और 32 रुपए के हिसाब से सरकार देती है। और अभी थोड़े दिनों पहले 35 रुपए और 70 रुपए पर डे छोटे जानवर और बड़े जानवर को इतना रुपया दिया, इंसान को भी नहीं मिलता इतना। और वो क्या समझते हो, 10 गाय होती है और रिकॉर्ड में 100 शो करते हैं, 10 गाय होती है और रिकॉर्ड में 100 करते इतना अनुदान देते। अनुदान नहीं देवे तो सीधा सरकार के सामने, मंत्रियों का जब लवाजमा हो तो उसके सामने अपना आंदोलन चला देते। गायों की रक्षा का सवाल है, गायों की रक्षा का सवाल है और सारा फर्जीवाड़ा होता है। आप वो पशु आहार खरीदना होता है, सब फर्जी बिल बनते हैं। पशु आहार खरीदना होता है, चारा खरीदना होता है तो बिल बनाने के लिए भी बहुत होता है, सब बन जाते हैं। तो गौशालाओं के नाम पे जमीन का एक्सप्लोरमेंट, सरकारी अनुदान का सारा दुरुपयोग और उसके पीछे जो अंदर की राजनीति क्या चल रही है वो बहुत ही अलग, सारी कट्टरता वहां चलती है। उनके नुमाइंदे कौन होते हैं, सारा उनका पॉलिटिकल संपर्क होता है, उनका पूरा संरक्षण मिलता है और उसके अंदर की गतिविधियां उनके मेहनतकश लोगों को वहां नहीं लगा जाते। सारे गौशालाओं गो संरक्षकों के जो रिश्तेदार होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं। आप उनके देखो 5 स्टार, पाली सिरोही जालोर में कभी आने देखा 5 स्टार गौशाला है? ऐसी बिल्डिंग तो आपको हॉस्पिटल और स्कूलों की नजर नहीं आएगी जैसी गायों के लिए अंदर वो बिल्डिंग बने, अंदर बढ़िया एयर कंडीशन गेस्ट हाउस बने हुए। पैसा बहुत आता है ना, कॉर्पोरेट सेक्टर का सारा ब्लैक मनी गौशाला में आता है। जितना भी होगा आप देखो, यहाँ के लोग सारे बॉम्बे साउथ में जाते व्यापारियों के पास, साहब गायों का मामला है, गायों का मामला है, इतना ब्लैक मनी इनके पास आता है उसका अंदाज नहीं लगा सकते। ये तो आ गया कॉर्पोरेट सेक्टर से, तो सीएसआर ग्रुप से आता है, प्लस गवर्नमेंट की ओर से आता है, प्लस आप हर दुकान के बाहर जाओ एक डिब्बा लगा हुआ है गायों के नाम पे, वो डिब्बे से कैसे आता है? और आगे दिन फिर कोई वो अस्थि हो गई और कोई अस्थि हो गई और अस्थि, तो कुल मिला के गाय पे आम आदमी, आप हिंगोड़िया गौशाला है, हिंगोड़िया गौशाला जब मैं यहाँ पर डायरेक्टर था तो हिंगोड़िया गौशाला का जो अब हिंगोड़िया गौशाला अखबार में नहीं आती है, बताओ क्यों? कि जब विभाग के कारोबार गौशाला 5,000 जानवर है खाली और मुस्लिम सांड है अंदर, सारे सांड है ज्यादातर, वो जो लावारिस घूमते हैं इनकी वजह इतने एक्सीडेंट होते हैं, उनके नील गायों के कारण इतना एक्सीडेंट होता है, कोई डिसीजन नहीं लेते। और वो सारा वाले सरकारी सरकारी जो नीतियां हैं, सरकार की योजना है, उनको भी निकाल के देते हैं उनको। हम कहते हैं कि भाई इन सारे सांडों का, इन बैलों का, इन बछड़ों का विद्यकरण करो, वो कहते नहीं ये तो हमारे धर्म के खिलाफ पाप है। मेल का स्टरलाइजेशन करा, बहुत टेक्निक होती है, हल्की सी टेक्निक होती है, वो स्टरलाइजेशन नहीं करना है, ये हमारा पाप है। हम कहते हैं ये नस्ल है, मैंने 7 बार तक इनसे माता खपाया कि ट्रेनिंग दे दो, मैं आत्मनिर्भर कैसे बढ़ाओ, सरकार के ऊपर क्यों भरोसा डिपेंड रहते हो, वो सारा आत्मनिर्भर बढ़ाने का हम तरीका बताते हैं ना। हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराओ, लोकल ब्रीड को इंसेमिनेट कर करके इसको ब्रीड को इंप्रूव करो, तो वो कहते नहीं ये तो अच्छा नहीं, ये तो धर्म के खिलाफ है। मतलब वो सारी योजनाओं को नकारते हैं लेकिन सरकार का पैसा हड़पते हैं। हिंगोड़िया गौशाला की मैं बात करता हूँ, 5,000 एनिमल वहां पे, 5,000, तो 5,000 एनिमल पे करीब 100 का स्टाफ है गांवों के अंदर, 5,000 में एक का स्टाफ नहीं है गांवों में, 5,000 पे एक का स्टाफ नहीं है वेटरनरी डॉक्टर या कंपाउंडर का, या 5,000 पे 100 का स्टाफ है। इतनी बड़ी सोनोग्राफी मशीन है, एक्सरे, फिजिकल में सर्जन हूं तो मुझे पता है कि सर्जन है और इतने यहाँ स्टाफ लगाए और टेक्निकल, वो सारा वो कौन से जो आप अभी थोड़े दिनों पहले जज थे ना, वो मोर मोरनी के आंसू वाले, उनकी वजह से मेहरबानी से इतना करोड़ रुपए यहाँ से कोर्ट के जरिए पास होता है और नगर निगम देता है करोड़ रुपए, और वहां पे कोई टेक्निकल बातें नहीं होती है। सारा गायों का आप देखो, सांड बड़ा सांड छोटा सांड को मार रहा है, गायों के नाम पे अलग अलग लोगों ने, धार्मिक लोगों ने उसको ले रखी है, वो गोद में ले रखी है, और वो कहते हैं कि नहीं मैं आप ऐसे अंधविश्वासी, हम सिर्फ सफेद गाय को देंगे, कुछ लोग ऐसे कहते हैं। तो कुल मिला के ये जो सफेद गाय को ही हम दान देंगे, कुछ लोग ऐसे हैं, अरे कोई गाड़ी वाड़ी भी दे दे, कोई देते नहीं, रोज दिन आप संडे को जाओ, लोग जिनके पास गाड़ी कमाई होती है सारा तो अपनी कार भर के जाते हैं, इंसान का खून भी जाते हैं वहां, केड़े भर के लाएंगे जो हरा चारा ले जाके बिखेरेंगे वगैरह, लेकिन आम आदमी का, मजदूर का, मेहनत कश को एक पैसा मदद का नहीं देते हैं। तो सारी कितने लोगों की, जो पूंजीपति लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, उनका कितना काला पैसा सारा इन गौशालाओं के पनपने में, और गौशाला के पीछे जो लोग हैं उनको पनपने में खर्च हो रहा है, लेकिन
सेम टाइम मेहनतकश लोगों का जो है कितना जीना दुबर हो रहा है कि वो चारा नहीं खरीद पा रहा है, बारिश नहीं होती तो उसके लिए मुश्किल हो जाती है। तो कुल मिला के गाय की राजनीति ने भारत के साथ, मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूँ, तो इतना रिच लाइफ स्टॉक तबाह हो गया। यहाँ की गिर गाय ब्राजील जाके बाद ब्राजील का काया पलट हो गया। आज ब्राजील में जाके वो गिर गाय 40 किलो 50 किलो दूध देती है, लेकिन यहाँ पे सिमटती जा रही है, यहाँ पे सिमटती जा रही है। थारपार करके यहाँ की गाय कोयम्बटूर और केरल में जाके यहाँ की थारपारकर नस्ल की गाय वहां पे जाके ब्रीडिंग होगी, इंप्रूव होगी, लेकिन यहाँ पे तबाह हो रही है। यहाँ की सुरई बछली, यहाँ की मारवाड़ी घोड़ा तबाह हो रहा है। यहाँ की जो ऊंट है, ये जो राजनीति कौन आपको पता है, जो रक्षा का अभी अखबार में आर्टिकल भी आया था, मैं इतने ऊंटों को मैंने बचाया, वो ऊंटों को बचाया, ऊंटों को ये पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते हैं, यहाँ से पुष्कर मेला, आज के 5 साल पहले पुष्कर के मेले में फॉरेनर लोग यहाँ ऊंटों को लेके आप ऊंटों को देखने के लिए आते थे। गरीब किसान अपना पेट पाल के ऊंट बड़ा करता है, यहाँ मेले में बेचने आता था, सारा तबाह, सारे टीले खाली हुए ऊंटों के कारण, सारे पशु मेले खाली हो गए, वो ऊंट लेके खरीद के ले जाता था बेचारा, क्योंकि बैलगाड़ी ऊंट गाड़ी पर आ गया, सारे पकड़ लेते हैं बीच के अंदर कि नहीं तू ऊंट तू तो कटअप करने के लिए ले जाता बांग्लादेश ले जाएगा, वो बछड़े को पकड़ लेते हैं। बछड़ा गवर्नमेंट कलेक्टर सर्टिफिकेट देता है, डॉक्टर सर्टिफिकेट देता है कि ये खेती बाड़ी के लिए काम में लिया जा रहा है, ये दूध देने के लिए काम में ली जाती है, उसके बावजूद भी ये कोई नहीं सुनता है। ट्रक को पकड़ लिया, ट्रक तो ट्रक क्या, यहाँ गई साल के अंदर पूरी ट्रेन को रोक लिया कि पता चला कि ये ट्रेन जा रही है, ट्रेन के अंदर जाकर यहाँ से किसानों को व्यापारियों के खरीदे वो लोग थे, जो व्यापारी कौन रेपारी जैसे लोग है बेचारे लेके जाते हैं, यहाँ को माइग्रेट करते हैं अपने भेड़ पालकों भेड़ों के साथ, अपनी गायों के साथ, उनको बड़ी मुश्किल होती है। कुछ ऐसी जातियां छोटी छोटी जातियां साटिया के अंदर, साटिया जैसे जाती है, उनका रोजी रोटी यही है, इधर से बैल लिया, इधर बेचा, इधर से गाय ली, इधर बेचा, उनको आप ताजु करोगे कई साल एक साटिया परिवार को मुंह काड़ा करके गधे पे बिठा के घुमा दिया बेचारे को, वो भी क्योंकि तू बैल की बेचता है, तू गाय की बेचता है। तो कुल मिला के ये बाड़मेर में ये लोग अभी जो पकड़े थे, बाड़मेर से जो बेचारे डॉक्टर आए थे यहाँ और वो लेने आए थे डिपार्टमेंट ऑफिसर, हम भी कभी कभी जाते थे खरीदने के लिए, तो उन बाड़मेर के डॉक्टरों को कितना मुश्किल हुआ, वो बेचारे यहाँ से थारपार कर, यहाँ की ब्रीड बहुत प्रसिद्ध है यहाँ के थार, तो अगर राजस्थान चाहे, मैं कहूँ एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में, गाय पालने के क्षेत्र में, भैंस पालने के क्षेत्र में, बकरा और घोड़ा के अंदर इतना रिच रोजगार के साथ यहाँ है, शॉर्टेज है कि राजस्थान की काया पलट हो सकती है, भारत की काया पलट हो सकती है, लेकिन इन्होंने नरक बना दिया है इस देश की, हमारे मेहनत का गरीब किसानों की पैदा हुई अलग अलग पशुधन को इन्होंने सारा तबाह कर दिया। इनको कोई मतलब नहीं है कि हमारा गौशाला पे कब्जा कर लिया, एक बाबा बिठा दिया, वो सारा उनकी राजनीति करता है, प्रोडक्शन करता है। लेकिन आपने वो हिमोनिया में जो हजारों गायें मरी थी उसका उल्लेख नहीं किया, और वो हजार गौरक्षक एक भी नहीं निकला अपने मिलों में से। हाँ, अब हिमोनिया गौशाला चर्चा में क्यों नहीं आती है कि वो अक्षर संस्था ने कब्जे में ले लिया, तो अब वो गाय वो की वो है, गाय उतनी ही मरती है क्योंकि वो गाय है, वहां कोई मारता नहीं, इतनी अच्छी फैसिलिटी है और ट्रीटमेंट के लिए इतना अच्छा साधन है वहां ट्रीटमेंट के लिए, गाय कौन सी मरती है, जो शहर के अंदर जो बूढ़ी हो गई गाय, लोगों ने हिंदू लोग क्या करता है, वो बूढ़ी हुई गाय को दूध देना छोड़ दिया, वो वहां पे बाजार में पड़ी है, उसको वो घर पे नहीं लाता है, जो लगभग जो गांवों घरों घरों के अंदर जो पालते हैं और बूढ़ी हुई गाय को नगर निगम उठाता है, वो एवरेज मान लो 200 गाय हुई है तो वो बूढ़ी है, नियर टू डेथ मरने, वो प्राकृतिक मौत से मरती है, तो इतनी गाय उठाता नगर निगम कि वो लगभग एवरेज 75 गाय मरती है। मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करता हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी, मैंने यहाँ भी देखा, मैं हॉस्पिटल में 5 साल इलाज के क्षेत्र में भी रहा हूँ, यहाँ पे पॉलिक्लिनिक में मुस्लिम अपनी गाय को इतनी हिफाजत में समय जब तक वो पालता है, इतनी हिफाजत में बकरी रह के साथ अपने लोग तो यही छोड़ देते हैं, धूप में भैंस बंदी है, गाय बंदी है, लेकिन वो उसको घोड़ी पहनाएगा, उसको बकरी को, बकरी और मैं बकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बकरा तो कुर्बान में जाता है, इसलिए बकरी को वो इतनी हिफाजत से पालता है, पूरी रक्षा करता है उसको सर्दी में गर्मी के अंदर, हमारे लोग तो उसको मेला खाने के लिए छोड़ देते हैं और उम्मीद करते दूध की, उसको सारा क्रूरता अगर एक ट्रक के अंदर 20 की जगह 21 गाय डाल दी तो क्रूरता में सारी आ गया, और एक बाड़े के अंदर 1000 एनिमल की जगह 5000 एनिमल आपने वो भी मेल सांड, वो भी सांड डाल दिए, क्या क्रूरता नहीं है, बकरों को अमर बकरे बनाने के लिए कितनी क्रूरता है, 100 बकरों को
जिंदगी भर एक ही बकरा सारा में रख लिया और यही रहोगे। सौ आदमियों को, सौ औरतों को अगर एक ही कहते अंदर जेल के अंदर पूरी जिंदगी भर रखे तो क्या उसका आंसर होगा? तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप सभी को इस मुद्दे पे भी आगे बढ़ाना है कि गायों की राजनीति के कारण मेहनत कश लोगों की जो लोग है उनकी अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था है इसका कितना असर होगा, इसका बाद में कितना इसका पूरा असर होगा वो आप सभी को देखना। आपने मुझे अवसर दिया, धन्यवाद।